हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज अप्रैल मंथ में गार्डन का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये मेरा एक ट्री है जिस पर मैंने काफ़ी हैंगिंग पॉट्स लगा रखे हैं, जिसमें पिटूनिया लगे हुए हैं। ये सब मैं छोटे प्लांट्स लाई थी जिन्हें मैंने पॉट में लगाया था और आपके साथ शेयर भी किया था। ये है एस्परेगस फन, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और ईजिली डिवाइड भी हो जाता है, लश ग्रीन लुक देता है। तो ये जब सैपलिंग्स लाई तो सारे सबके कलर सेम ही निकल आए और डिफरेंट पॉट्स में मैंने ये लगाए हैं और इन्हें चूंकि ट्री के नीचे रखा है तो ये अभी तक इसमें फ्लावरिंग दे रहे हैं ये प्लांट्स पिटूनिया के। और नीचे मेरे कुछ कोलियस के प्लांट्स जिसकी मैंने कटिंग लगाई थी वो लगे हुए हैं और एस्परेगस को मैंने डिवाइड किया है। एक मेरा बड़ा सा पॉट मंकी ने तोड़ दिया और तो मैंने उन्हें उसके उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पॉट्स तैयार किए हैं जो 6-7 तैयार हुए हैं। ये मेरा ग्रास एरिया है, यहाँ पे नेचुरल ग्रास लगी हुई है जो अभी काफ़ी इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। आज मैंने इसमें वाटरिंग की है, ये आप देख रहे हैं, और लश ग्रीन ग्रास यहाँ पे हो जाती है। इस समय अभी छोटे हैं ये, और ये मेरा एरिया है जहाँ पर हम लोग काफ़ी देर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं ग्रीनरी। और चारों तरफ यहाँ पर मैंने ये हैज लगा रखी है, गोल्डन दुरंता की हैज है। और मेरा ये एक कॉर्नर है जिसे मैंने कोलियस की कटिंग से और एस्परेगस से सजाया है। ये अभी कटिंग्स थोड़ी ग्रो हो रही हैं, जब ये कॉर्नर में ये ग्रो हो जाएंगी तो बहुत ही देखने में अच्छी लगेंगी। ये देखिए कोलियस की कटिंग्स मैंने छोटे छोटे पॉट्स में लगाई हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। ये सेल्विया है और इसमें स्टॉक्स निकल रहे हैं। मेरी तुलसी ठीक चल रही है, बाकी सारे तुलसी मेरे, बहुत ज़्यादा तुलसी मेरे यहाँ रहती हैं लेकिन इस समय वो ठंड से काफ़ी ख़राब हो गई, लेकिन उनकी सीड्स गिरी हैं और छोटे छोटे प्लांट्स निकले हैं। जल्दी ही नए तुलसी के पौधे बन जाएंगे। और ये मेरे रोज़ के प्लांट हैं, साथ ही सेल्विया, विंका में फ्रेंड्स इस समय अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। जो प्लांट्स बिल्कुल जिनकी लीव्स गिर गई थी अभी वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और साथ ही ये एडिनियम, तो एडिनियम का मेरा ये लास्ट ईयर का प्लांट मैं लेके आई थी, तब एक या दो ही फ्लावरिंग्स में हुई थी और इस समय बंचेस में इसमें बर्ड्स भी हैं और इसमें काफ़ी अंदर बर्ड्स हैं पीछे की तरफ भी, और अच्छी सी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है बंचेस में। तो ये मेरा पहला एडिनियम का प्लांट है। और ये एक और कलर है पिंक कलर का, चूँकि मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ तो फ्लावर्स के कलर्स काफ़ी अलग देखने में आ रहे हैं। और वर्बीना भी मेरे अच्छे से चल रही हैं, इनकी पिंचिंग करते रहिए तो ये बहुत अच्छी होती हैं। ये मेरा फ्रेंड्स बिगोनिया के कलेक्शन है, मेरे पास 3 बिगोनिया के प्लांट हैं और सारे डार्क कलर के लीफ वाले ही हैं, एक रेड है और 2 पिंक कलर के हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि फ्लावरिंग हो तो रही है लेकिन सारे फ्लावर्स अब सीड पॉट में कन्वर्ट हो रहे हैं। काफ़ी इसमें फ्लावरिंग हुई, मास में इसी तरह भरे रहते थे फूल्स में। और इसे मैंने एक हैच इसके नीचे रखा हुआ है ताकि इसको शेड छन छन की धूप मिलती है 1-2 घंटे की, और ये बहुत अच्छा रहता है। मैंने सुबह ही वाटरिंग की है इसलिए चारों तरफ पानी भी गिरा है, फ्रेंड्स अवॉइड कीजिए उसे। ये है मेरा मिनी चांदनी, ये भी काफ़ी अच्छी गर्मियों का प्लांट है और काफ़ी अच्छे इसमें ग्रोथ है। पीछे है मेरा कोटन का प्लांट, ये है रसीना की एक वैरायटी। तो ये सब गर्मियों में चलने वाले प्लांट्स हैं। साथ ही मेरे ये डहलिया अभी भी देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये मेरा येलो डहलिया है और ये पिंक कलर का डहलिया है, और इसमें अच्छी ग्रोथ भी अभी हो रही है। कुछ मेरे प्लांट्स ख़राब भी हो गए हैं पीछे जिन्हें मैंने शेड में अभी रखा है, और इधर मेरी कोलियस की कटिंग्स हैं जिन्हें मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया है, और ये मेरा ग्रास का एरिया। तो ये जो ग्रास होती है इसकी हैज अगर आप गार्डन में लगाते हैं तो बहुत ग्रीनरी देती है और अच्छा लुक देती है। अभी ये नीट एंड टाइडी नहीं है क्योंकि मैंने उसे अभी कटिंग उसकी नहीं की है, मैं चाह रही हूँ उसका ग्रोथ अच्छी हो जाए फिर मैं उसे शेप दूँ। और ये मेरा रोज़ प्लांट है, आप देख रहे हैं इसकी हाइट और इतने ज़्यादा फ्लावर्स इसमें आते हैं कि आप देखती है बनती है इसकी खूबसूरती। और इसकी पत्तियों भी देख रहे होंगे आप, काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये। मेरे पास 7 फुट लंबा हो चुका है और हर ब्रांच में कलियाँ ही कलियाँ होती हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मेरा आप देख रहे हैं स्वीट पोटैटो वाइन है जिससे जिसकी मैं वॉल तैयार कर रही हूँ एक तरीके से, इतनी ग्रीनरी ये दे रहे हैं। और ये मैंने सीड से ही कोरियोप्सिस के सीड से इन प्लांट्स को ग्रो किया था और मैंने इन्हें लगा दिया था, और इसमें इतनी फ्लावरिंग हुई है, बिल्कुल जंगल सा लुक आ रहा है, फ्लावर की एक वैली लग रही थी।
और काफ़ी अब तो फ्लावर्स डेड हो चुके हैं, फेड हो गए हैं, फिर भी बिल्कुल इतने फ्लावर्स यहाँ पे थे, हर वक्त तितलियाँ और मधुमक्खियाँ घुमा करती थी यहाँ पे, इतने ज़्यादा फ्लावर्स थे। और ये मेरा रेड रोज़ प्लांट है जो कि ग्राउंड में लगा हुआ है, और इसमें भी काफ़ी फ्लावर्स आके जा चुके हैं जिनको मैंने कट कर दिया, और अभी भी इसमें आप देखें कलियाँ फूल निकल ही रहे हैं, पीछे भी काफ़ी हैं जैसे मैं सही से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ग्राउंड में 7-8 प्लांट लगाए हैं, 3 देसी गुलाब के प्लांट हैं इसमें, और काफ़ी इंग्लिश रोज़ेज़ हैं। तो आप देख रहे होंगे पीछे भी, आप देख रहे होंगे कोरियोप्सिस ने बिल्कुल, एक 4 प्लांट हैं वो कोरियोप्सिस के, और उन्होंने पूरा मास में फ्लावरिंग बिल्कुल पीले फूलों से ढक दिया था, बेहद खूबसूरत देखने में लग रहा है। चाहे कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, आप इतना ना समझ पा रहे हो, बट ऐसे देखने में इतना खूबसूरत ये नज़ारा है। तो आप भी इंजॉय कीजिए इन फ्लावर्स को, और आप देख रहे हैं मधुमक्खियाँ बीज वगैरह टहल रही हैं, और अभी जैसे जैसे दिन ढलेगा और भी सब तितलियाँ वगैरह आती रहती हैं। तो स्वीट पोटैटो पाइन का 2 कलर में होता है, एक ये है गोल्डन कलर, और इसका एक वाइन कलर का भी आता है। साथ ही मैंने पीछे वो हैज लगी हुई है लालसा की, जिसे लोरोपेटलम कहते हैं, और उसके ऊपर ये मैंने तार लगा करके इस पर इनको चढ़ाने की कोशिश की, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। ये देखिए आप स्वीट पोटैटो वाइन की एक बॉल बनती जा रही है खूबसूरत सी, और पर्पल स्वीट पोटैटो वाइन मेरे एक पॉट में लगा हुआ है साइड में, देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। ये आप देख रहे हैं पर्पल कलर का भी है, लेकिन उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है जितनी इस ग्रीन की हो रही है, और इसको मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप इतनी अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं, और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये कलर्स। चलिए अपने हम रेगुलर कुछ प्लांट्स भी देख लेते हैं। ये मेरा है ऑरेंज हिबिस्कस, तो गर्मी आती ही जैसे ही टेम्परेचर बढ़े हैं तो हिबिस्कस और हमारे जो समर्स के प्लांट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हो गए हैं, उनके प्लांट्स काफ़ी, उनकी पत्तियाँ काफ़ी अच्छी शाइनी सी हो गई हैं। ये है मेरा मैक्सिकन हेदर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है, साल भर इसमें फ्लावर्स रहते हैं, और उससे कैमरे से ज़्यादा आप नेचुरल देखें तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया, काफ़ी अच्छी इसमें भी ग्रोथ है, चारों तरफ से पूरा भरा हुआ प्लांट है। ये मेरा पिंक हिबिस्कस है, इसमें आप देख रहे हैं बर्ड्स फ्लावर्स बिल्कुल रोज़ ही निकलते रहते हैं 4-5 फ्लावर्स। ये मेरा पिटूनिया पिंक कलर का है, और ये भी अभी तक अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है, अक्टूबर नवंबर से इन्होंने स्टार्ट की थी और अभी तक दे रहे हैं, मैं इसमें से डेड फ्लावर्स निकालती रहती हूँ। डायंथस हैं, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरा एक डायंथस का बहुत अच्छा प्लांट था, वो ख़राब हो चुका, फंगस ने उसको ग्रो कर, उस पर काफ़ी असर कर दिया था। ये रोज़ है मेरा, और इसकी लीव्स थोड़ी ख़राब हो गई, लेकिन फ्लावर्स तो इसके भाई भरपूर अभी तक भरे हुए हैं, साइज़ थोड़े छोटे हो गए हैं लेकिन फ्लावर्स भरपूर दे रहा है ये अभी तक अप्रैल में भी। बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये, और काफ़ी इसने फ्लावर्स दिए मुझे, फूलों की कमी मेरे गार्डन में नहीं होने पाई है। फ्रेंड्स विंका है ये, और अब मुझे लग रहा है ये विंका को मुझे इससे कटिंग ले लेनी चाहिए, काफ़ी मैच्योर प्लांट हो गया है, और पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा झुक रहा है, मुझे इसका शेप नहीं पसंद आ रहा, तो मैं इसे अब चेंज करने वाली हूँ। ये मेरा येलो रोज़ है, इसमें भी देखिए इसी तरह से 7-8 कलियाँ फूल ऐसे ही निकलते ही रहते हैं, और जैसे मैं एक फ्लावर को कट कर रही हूँ तो पता चलता है न्यू ब्रांच आती है और उसमें न्यू फ्लावर्स आते रहते हैं। और रेगुलर फीडिंग अगर आप अपने प्लांट्स को दे रहे हैं, उनकी थोड़ी वॉटरिंग का ख्याल रख रहे हैं, उन्हें सही जगह पे आप शिफ्ट करते चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, तो आपके आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी। ये आप देख रहे हैं डहलिया हैं, जो कि इसमें भी बहुत सारे, अभी मैंने कल इसमें से बड़े बड़े फ्लावर्स डेड हेड कर दिए। ये मेरा रेड पेटूनिया है, ये एक और डहलिया है पर्पल कलर का, इसमें भी अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, आप देख रहे हैं शेडेड काइंड ऑफ है। और ये इधर मेरे गजानिया के प्लांट्स हैं, मेरे पास 4 गजानिया के प्लांट्स मैं लेके आई थी, और 10 रुपये के छोटे बेबी प्लांट्स थे, और इन्होंने बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी है मुझे थ्रू आउट विंटर, और अभी भी इसमें फ्लावर्स आप देख रहे हैं इसी तरह से रोज़ ही 8-10 फ्लावर्स निकलते ही रहते हैं, और बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं ये, लो मेंटेनेंस हैं, और अगर आप इन्हें इनका ख्याल रखें तो ये साल दर साल भी चल जाते हैं अगर आपने इन्हें बचाने के बचा लेते हैं तो गर्मी से। तो ये इस तरह से गजानिया मेरे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे गार्डन का ओवरव्यू पसंद आया, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर।